हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जी के स्टडी कॉर्नर हिंदी। आज हम करेंगे क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 5, कोल एंड पेट्रोलियम। तो चलिए हम अपना चैप्टर पढ़ते हैं। वी यूज़ वेरियस मटेरियल्स फॉर आवर बेसिक नीड्स, मतलब हम अपनी दैनिक ज़रूरतों के लिए बहुत सा सामान, बहुत सी चीज़ें प्रयोग में लाते हैं। सम ऑफ देम आर फाउंड इन नेचर, कुछ तो हमें उसमें से प्राकृतिक रूप में मिल जाते हैं। एंड सम हैव बीन मेड बाय ह्यूमन एफर्ट्स, और कुछ ऐसी होती हैं जिन्हें कि इंसान ने अपनी कोशिशों से बनाया है। एक्टिविटी 5.1, चलिए यहाँ पे एक एक्टिविटी है उसे देखते हैं। मेक अ लिस्ट ऑफ वेरियस मटेरियल्स यूज्ड बाय अस इन डेली लाइफ एंड क्लासिफाई देम एज नेचुरल एंड मैन मेड, मतलब आप कुछ जो दैनिक जीवन में आप चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, चलिए उनकी लिस्ट बनाइए, फिर आप देखिए कि उनमें से कौन सी हैं जो नेचुरल हैं और कौन सी हैं जो मैन मेड है। लेकिन अगर हम जैसे डेली लाइफ में एग्जांपल लें तो जैसे टूथब्रश हुआ, सबसे पहले हम यूज़ करते हैं टूथब्रश, तो जो टूथब्रश है वो मैन मेड है। लेकिन अगर हम टूथब्रश की जगह दातुन यूज़ करें, किसी पेड़ की जो दातुन रहती है उसको प्रयोग करें, तो वो नेचुरल है। इसी तरह से जो कपड़े हम पहनते हैं वो मैन मेड है, लेकिन उन कपड़ों के लिए, जैसे हम कॉटन के कपड़े पहनते हैं, जो कॉटन है, जो उसका मतलब रॉ मटेरियल है कॉटन, वो हम नेचर से लेते हैं, तो इस तरह से वो नेचुरल फाइबर होता है। तो इस तरह से बहुत सी डेली लाइफ की चीज़ें हैं जो हमें या तो नेचुरली मिलती हैं या फिर हम उन्हें खुद से बनाते हैं। तो चलिए आगे पढ़ते हैं। डज दिस इंक्लूड एयर, वाटर, सॉइल एंड एनिमल, क्या आपने इसमें एयर, वाटर, एयर मतलब हवा, पानी, मिट्टी या फिर मिनरल्स होते हैं जो खनिज पदार्थ हमारी ज़मीन में रहते हैं, तो उसमें क्या आपने इन चीज़ों को ऐड किया। सिंस ऑल दीज आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचर, क्योंकि ये सब चीज़ें हमें कुदरत से मिलती हैं, सो दे आर कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज, इसीलिए इन्हें कुदरती साधन कहा जाता है या कुदरती संसाधन कहते हैं। कैन एयर, वाटर एंड सॉइल बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, अब सोचने की बात यह है कि क्या जो ये मिट्टी है, ये हवा है, ये पानी है, क्या ये हमारी एक्टिविटीज़ की वजह से ख़त्म हो सकती है। एग्जॉस्ट का मतलब होता है पूरी तरह से ख़त्म होना, तो सोचने की बात यह है कि क्या ये सब चीज़ें हमारी वजह से, ह्यूमन एक्टिविटीज़ हमारे कामों की वजह से ख़त्म हो सकती हैं। You have already studied about water in class 7. तो आपने class 7 में पानी के बारे में तो पता होगा। Is water a limitless resource? आपको क्या लगता है कि पानी कभी ना ख़त्म होने वाला resource है? बिल्कुल भी नहीं, पानी ख़त्म होने के बहुत chances हैं, तो इसलिए हमारे लिए हमेशा ये समझाया जाता है कि पानी की बूंदों को, पानी को संभाल कर प्रयोग करना चाहिए। In the light of the availability of various resources in nature, the natural resources can be broadly classified into two kinds. मतलब अगर हम देखें तो कुदरती तौर पे जो चीज़ें हमें मिलती हैं उनकी अवेलेबिलिटी के हिसाब से अगर हम देखें तो जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हम उन्हें दो भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है inexhaustible natural resources, मतलब ऐसे resources जो ख़त्म नहीं होंगे, और दूसरा है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब ऐसे रिसोर्सेज जो ख़त्म हो जाएंगे। तो चलिए पहले पढ़ते हैं इनएग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज। दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर, मतलब ये जो रिसोर्सेज हैं ये हमारी प्रकृति में अनलिमिटेड क्वांटिटी, कभी ना ख़त्म होने वाली मात्रा में हैं। एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, और ऐसा है कि वो ह्यूमन एक्टिविटी मतलब इंसानों की गतिविधियों से वो कभी भी ख़त्म नहीं होंगे। एग्जाम्पल्स आर सनलाइट, एयर, इसकी सबसे बड़ी एग्जाम्पल है सनलाइट, और दूसरी है एयर। इसके बाद है एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, द अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज इन द नेचर इज़ लिमिटेड, मतलब वो चीज़ें, वो रिसोर्सेज, वो संसाधन जिनकी जो मात्रा है हमारे कुदरत में कम है, मतलब लिमिटेड है, दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाई ह्यूमन एक्टिविटीज़, तो ये जो है ये इंसानों की गतिविधियों से ख़त्म हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स ऑफ दीज रिसोर्सेज आर, और इस तरह के रिसोर्सेज के एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, जंगल,
वाइल्ड लाइफ जंगली जानवर, मिनरल मतलब जो ज़मीन से हमारे खनिज पदार्थ निकलते हैं वो, कोल मतलब कोयला, पेट्रोलियम पेट्रोलियम, नेचुरल गैस मतलब जो कुदरती गैस ज़मीन में से निकलती है। तो ये सब चीज़ें हैं जो लिमिटेड मात्रा में अवेलेबल हैं और बहुत ज़्यादा यूज़ करने से ये ख़त्म हो जाएंगी। अब हमारे पास है एक और एक्टिविटी, एक्टिविटी 5.2। इट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी, मतलब ये जो एक्टिविटी है इसे ग्रुप में किया जाता है। तो बेटा ये जो एक्टिविटीज़ हैं यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज़ इसलिए डाली जाती हैं चैप्टर में ताकि आपको जो चैप्टर के कॉन्सेप्ट हैं वो अच्छे से समझ में आ जाएँ। तो चलिए हम करते हैं एक्टिविटी 5.2। टेक सम कंटेनर्स, मतलब कुछ बर्तन ले, फिल देम विद पॉपकॉर्न, पीनट, रोस्टेड ग्राम, टॉफीज़। तो इनको आप पॉपकॉर्न, इनमें आप पॉपकॉर्न, मूंगफली के दाने, भुना हुआ चना और टॉफीज़ भर दें। डिवाइड स्टूडेंट्स इनटू ग्रुप ऑफ 7 ईच, आप बच्चों को सात सात बच्चों के ग्रुप में बांट दें। फर्दर डिवाइड ईच ग्रुप इनटू 3 सब ग्रुप्स ऑफ 1, 2 and 4 स्टूडेंट्स। इसके बाद आप हर ग्रुप को तीन तीन के सब ग्रुप में बांटें जिसमें एक बच्चा, दो बच्चा और चार बच्चे हों। लेबल देम एज फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जनरेशन रिस्पेक्टिवली। अब आप इन्हें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जनरेशन का नाम दे। दीज सब ग्रुप्स रिप्रेजेंट द कंज्यूमर्स। तो ये जो सब ग्रुप्स हैं ये कंज्यूमर्स मतलब जो लोग चीज़ों को खपत करते हैं, जो चीज़ों को यूज़ में लाते हैं, ये उनके बाद उनको दर्शाएंगे। एज पॉपुलेशन इज़ ग्रोइंग, आप जैसे कि जानते हो कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, सेकेंड एंड थर्ड जनरेशन्स हैव लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। तो जो हमारे ग्रुप्स में सेकेंड और थर्ड जनरेशन है इसमें जो कंज्यूमर्स हैं, जो खपत करने वाली हैं चीज़ों की, उनका उनकी गिनती अधिक है। पुल वन फुल कंटेनर ऑफ ईच ग्रुप ऑन अ टेबल। अब जो है आपके जो अपने कंटेनर बनाए थे सामान के, उनमें से एक एक कंटेनर जो है हर एक ग्रुप के लिए टेबल पे रख दो। आस्क द कंज्यूमर्स ऑफ द फर्स्ट जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम द ईटेबल्स फ्रॉम द कंटेनर ऑफ देयर ग्रुप। तो जो आपने ग्रुप बनाए थे उसका जो फर्स्ट जनरेशन का पर्सन था उसे बोलिए कि जो आपका कंटेनर है उसमें से आप कुछ खा लें। नाउ आस्क द सेकेंड जनरेशन कंज्यूमर्स ऑफ ईच ग्रुप टू डू द सेम। अब इसके बाद आप जो सेकेंड जनरेशन का कंज्यूमर है आप उन्हें भी बोले कि अपने अपने ग्रुप का जो कंटेनर है उसमें से कुछ सामान ईटेबल खा लो। आस्क द स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व केयरफुली द अवेलेबिलिटी ऑफ ईटेबल्स इन ईच कंटेनर। अब इसके बाद बच्चों को जो हर कंटेनर है उसमें खाने वाले सामान की मात्रा के बारे में जांचने के लिए कहें। इफ़ समथिंग इज़ लेफ्ट इन द कंटेनर आस्क थर्ड जनरेशन फ्रॉम ईच ग्रुप टू कंज्यूम इट। अगर कंटेनर में कहीं कुछ बचा है तो जो थर्ड जनरेशन है उसे भी आप कंटेनर में से खाने के लिए बोलें। नाउ फाइनली ऑब्जर्व वेदर ऑल द कंज्यूमर्स ऑफ थर्ड जनरेशन गॉट द ईटेबल्स और नॉट। अब आप ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए कि जो थर्ड जनरेशन थी उसके जो मेम्बर्स थे सबको खाने के लिए मिला या नहीं। ऑल्सो ऑब्जर्व इज एनीथिंग इज स्टिल लेफ्ट इन एनी ऑफ द कंटेनर। और ये भी देखें कि उन कंटेनर में कहीं कुछ बचा है या नहीं बचा है। Assume that the eatables in the container represent the total availability of the exhaustible natural resources. अब आप ये मान कर चलिए कि जो eatables हैं वो जो eatables पूरे container में थे वो हैं total availability of exhaustible natural resources। तो वो उनको आप मानिए कि ये है उस मात्रा के बराबर, पूरी मात्रा जो कि धरती पे available है किसी भी exhaustible नेचुरल रिसोर्स की, जैसे कि कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ, नेचुरल गैस। तो ईच ग्रुप में हैव द डिफरेंट कंजम्पशन पैटर्न। हो सकता है कि हर ग्रुप जो है उन्हें अलग अलग तरीके से खाए। आर द अर्लियर जनरेशन्स ऑफ ग्रुप टू ग्रीडी, क्या आपको लगता है जो पहली वाली जनरेशन थी वो बहुत ज़्यादा लालची थी। इट मे बी दैट द अर्लियर जनरेशन इन द सम ग्रुप वर कंसर्नड अबाउट कंज्यूमिंग कंसर्नड अबाउट द कमिंग एंड द जनरेशन्स एंड लेफ्ट समथिंग फॉर देम।
तो ये हो सकता है कि जो पहले की जनरेशन्स थी, मतलब जो स्टार्टिंग की जनरेशन्स थी, वो अपनी आने वाली जनरेशन्स को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड हो, उनके बारे में सोचती हो, इसलिए उन्होंने जो उनके उनके समय में जो एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज थे उन्हें कम मात्रा में यूज़ किया। सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज, मतलब इस लेसन में हम कुछ एग्जॉस्टिबल नेचुरल रिसोर्सेज के बारे में जानेंगे, कौन कौन से, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोलियम हुआ या नेचुरल गैस हुई। दीज वर फॉर्म्ड व्हेन द डेड रिमेन्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये जो है, ये जो चीज़ें हैं ये कहाँ से बनती हैं, जो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, मतलब जो जीवित प्राणी थे, जब वो मर गए और वहाँ पे ही सालों तक पड़े रहे, तो इसलिए इसे तो उनसे ही ये कोल, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बने। सो दीज वर आल्सो नोन एज फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि ये जो जीवित जो प्राणी मर जाते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब मर जाते हैं और वो ज़मीन के नीचे सालों तक दबे रहते हैं, तो उन्हें फॉसिल्स कहा जाता है, और उन्हीं से ये चीज़ें जैसे कोयला, पेट्रोलियम या नेचुरल गैस बनती है, तो इसीलिए इन्हें फॉसिल फ्यूल्स का नाम दिया जाता है। 5.1 सबसे पहले आता है कोल। यू मे हैव सीन कोल और हर्ड अबाउट इट, आपने कोयले को देखा होगा या फिर आपने इसके बारे में सुना होगा। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड इज ब्लैक इन कलर, ये बिल्कुल पत्थर के जैसे सख्त होता है और काले रंग का होता है। कोल इज़ वन ऑफ द फ्यूल्स यूज्ड टू कुक फूड, जो कोयला है इसे अक्सर खाना बनाने के लिए ईंधन के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है। अर्लियर इट वॉज़ यूज इन रेलवे इंजन्स टू प्रोड्यूस स्टीम, पहले पुराने समय में इसे रेलवे इंजन में भी प्रयोग में लाया जाता था ताकि इससे स्टीम बनाई जा सके, टू रन द इंजन, और उसी से इंजन दौड़ते थे। इट इज़ ऑल्सो यूज इन थर्मल पावर प्लांट्स टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, और इसी को हम लोग जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं, मतलब बिजली के ताप से चलने वाले, गर्मी के ताप से चलने वाले ऐसे प्लांट्स, ऐसी जगह जहाँ पे बिजली उत्पादन होता है, तो अक्सर पहले इन्हें अक्सर जो कोयला है उसे थर्मल पावर प्लांट में भी प्रयोग में लाया जाता है। कोल इज़ ऑल्सो यूज एज ए फ्यूल इन वेरियस इंडस्ट्रीज, तो भारत में जो बहुत सी इंडस्ट्रीज है वहाँ पे भी ईंधन के तौर पे हम कोयले को प्रयोग में लाते हैं। स्टोरी ऑफ द कोल, अब कोयला कैसे बना। अबाउट 300 मिलियन ईयर्स एगो, 300 मिलियन साल पहले की बात है। द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट इन लो लाइंग वेट लैंड एरियाज, तो बहुत पहले की बात है, जो हमारी पृथ्वी थी इसके ऊपर बहुत घने जंगल थे, लो लाइंग वेट लैंड एरियाज, मतलब बहुत घने जंगल थे, और ये ऐसी जगहें थी जहाँ पे कुछ जगहें नीची थी और वो अक्सर पानी से गीली भी रहती थी। ड्यू टू नेचुरल प्रोसेसेस लाइक फ्लडिंग दीज फॉरेस्ट गॉट बरीड अंडर द सॉयल, और कुछ कुदरती जिसे बोलते हैं, कुछ कुदरती सिस्टम्स की वजह से, कुछ कुदरती घटनाओं की वजह से जो ये जंगल थे, ये जो है ज़मीन के नीचे दब गए और मिट्टी के नीचे दब गए। एज मोर सॉइल डिपॉजिटेड ओवर देम, और धीरे धीरे उनके ऊपर और मिट्टी इकट्ठी होती चली गई, देवर कंप्रेस्ड, वो नीचे ही पूरी तरह दब गए। द टेम्परेचर ऑल्सो रोज एज दे सैंक डीपर एंड डीपर, और जैसे वो जंगल नीचे और नीचे और नीचे दबते चले गए, तो वहाँ पर धरती का तापमान भी बढ़ गया। अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर द डेड प्लांट्स गॉट स्लोली कन्वर्टेड इन टू कोल, और जो ये मरे हुए पौधे थे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ नीचे ज़मीन में नीचे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर भी था और ऊपर से बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था, तो उसकी वजह से ये डेड प्लांट्स थे ये कोयले में बदल गए। एज कोल कंटेन्स मेनली कार्बन, क्योंकि जो कोयला होता है इसमें ज़्यादातर कार्बन ही होता है। द स्लो प्रोसेस ऑफ कन्वर्शन ऑफ डेड वेजिटेशन इनटू कोल इज़ कॉल्ड कार्बनाइजेशन, मतलब एक स्लो प्रोसेस, एक बहुत धीमे चलने वाला ऐसा प्रोसेस, एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें जो डेड वेजिटेशन, मतलब जो मरे हुए पौधे, जो गिरे हुए पौधे होते हैं, वो जब कोयले में बदलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग
इस धीरे से लंबा समय तक चलने वाले प्रोसेस को हम लोग कार्बनाइजेशन का नाम देते हैं. सिंस इट वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन ऑफ वेजिटेबल, कोल इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ फॉसिल फ्यूल. क्योंकि जो कोयला था ये जो हमारे पौधे जो हमारे पौधे मर गए थे उनसे ये बना है, इसलिए कोयले को भी फॉसिल फ्यूल कहा जाता है. अ कोल माइन इज शोन इन फिगर 5.2. हाँ, यहाँ पे देखिए बेटा, आपको फिगर 5.2 है, उसमें कोयले की खान दिखाई गई है. यहाँ पे देखिए, निकाल कर उन्होंने कोयला रखा हुआ है और बहुत मेहनत होती है. व्हेन हीटेड इन एयर द कोल बर्न्स एंड प्रोड्यूसेस मेनली कार्बन डाइऑक्साइड. जब हम कोयले को हवा हवा की उपस्थिति में आग लगाते हैं, द कोल बर्न्स, तो कोयला जलता है और मेनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस ही पैदा करता है. कोल इज़ प्रोड्यूस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट्स सच एज कोक, कोल टार एंड कोल गैस. तो जो कोयला है उसको हम इंडस्ट्री में प्रयोग में लाते हैं कुछ चीज़ें बनाने के लिए, जैसे कि कोक हुआ, कोल टार हुआ और कोल गैस हुई. अब इसके बाद हमारे पास है कोक. सबसे पहले जानते हैं कोक क्या है. इट इज़ अ टफ पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस. ये एक बहुत ही सख्त भुरने वाला और काला पदार्थ होता है. इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन, और ये कार्बन की सबसे प्योर फॉर्म होती है. कोक इज़ यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल. तो जो कोक है, अक्सर इसे हम स्टील बनाने के लिए और बहुत से जो मेटल्स हैं, मतलब धातु हैं, जब हम ज़मीन से ओर निकाल कर लाते हैं तो उनमें से शुद्ध धातु निकालने के लिए कोक को प्रयोग में लाते हैं. उसके बाद है कोल टार. अब कोल टार क्या है? इट इज़ अ ब्लैक थिक लिक्विड विद अनप्लेजेंट स्मेल. तो ये काले रंग का एक बहुत गाढ़ा लिक्विड होता है जिसकी कि स्मेल अच्छी भी नहीं होती. इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अबाउट 200 सब्सटेंसेस. तो ये मेनली 200 तरह की चीज़ों का मिक्सचर होता है. प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल टार आर यूज एज स्टार्टिंग मटेरियल्स फॉर मैन्युफैक्चरिंग वेरियस सब्सटेंसेस. तो जो हम कोल टार से जो हमें चीज़ें मिलती हैं उनको अक्सर हम बहुत सी चीज़ें बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, लाइक सिंथेटिक डाइज, जैसे कि डाई हुई चीज जो कपड़े रंगते हैं हम वो, ड्रग्स दवाइयाँ हुई, एक्सप्लोसिव्स मतलब विस्फोटक हुए, परफ्यूम, प्लास्टिक्स, परफ्यूम्स भी बनती हैं उससे, प्लास्टिक भी बनता है, पेंट भी बनते हैं, फोटोग्राफिक मटेरियल्स मतलब जो हम ये तस्वीरें खींचने के लिए जो चीज़ें प्रयोग में लाते हैं, रूफिंग मटेरियल्स, छत बनाने वाला सामान, इन एट्सेट्रा. इंटरेस्टिंगली नेप्थलीन बॉल्स आर यूज्ड टू रिपेल मॉथ्स एंड अदर इंसेक्ट्स आर ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम कोल टार. और हैरानी की बात ये है, बहुत बड़ी रोचक बात यह है कि वो जो फिनाइल की गोलियां जिन्हें हम नेप्थलीन बॉल बोलते हैं, वो जो कि हम घर से कीड़ों को भगाने के लिए प्रयोग में लाते हैं, वो भी हमें कोल टार से ही मिलती हैं. दीज डेज बिटुमिन अ पेट्रोलियम प्रोडक्ट इज़ यूज इन प्लेस ऑफ कोल टार फॉर मेटलिंग द रोड्स. तो आजकल हम देखें तो पेट्रोल का एक पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है बिटुमिन, उसको हम जो हमारी सड़कें हैं वो बनाने के लिए प्रयोग में लाते हैं. अब इसके बाद हमारे पास है कोल गैस, मतलब कोयले से बनने वाली गैस. कोल गैस इज ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक. तो जो कोल गैस है, जब हम कोयले से कोक बनाते हैं तब ये गैस हमें मिलती है. इट इज़ यूज्ड एज फ्यूल इन मेनी इंडस्ट्रीज सिचुएटेड नियर द कोल प्रोसेसिंग प्लांट. और इसको हम लोग जो हमारा कोल प्रोसेसिंग मतलब जहाँ से कोयला निकलता है उसके पास की जितनी भी इंडस्ट्री है वहाँ पे इसे ईंधन के तौर पे प्रयोग में लाया जाता है.
तो बच्चों आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आया। कहीं आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।